बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ज़ुहैब खुशक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुहैब अली व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं गोरख हिल स्टेशन, जो दादू से तकरीबन 95 किलोमीटर दूर है। और मेरे दोस्त आए हैं, एक कराची से आया है फैसल पवर, एक हैदराबाद से आया है अताउर रहमान। सो उसके साथ हम जा रहे हैं गोरख हिल स्टेशन। मैं पिछली बार फेस्टिवल पर अपने कज़न की फार्चूनर पर गया था, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फार्चूनर 2023 सिग्मा पे जा रहा हूँ। तो वो आने वाली है, मेरा दोस्त वो गाड़ी जो लेके गया था डीजल फुल करवाने, तो अभी वो सामने आ रहा है। तो हम चलते हैं वहाँ गोरख हिल स्टेशन पे और अपनी फार्चूनर पे ही। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब, हम जा रहे हैं अभी अपने टूर पे, टूर हमारा शुरू हो गया है। ये हमारी फार्चूनर आ गई है अभी। कैसा लगा मेरा मजाक? और अभी हम तैयारी कर रहे हैं इस पे जाने की, टेंट वगैरह हम अपना उठाएंगे। ना फार्चूनर आए। ये मेरा दोस्त है अताउर रहमान, जो अभी हैदराबाद से आया है स्पेशली गोरख घूमने। भाई कैसा लग रहा है हमारा दादू शहर? और यार बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत मजा आ रहा है, और आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है। झूठ बोल रहा है। चलते हैं गोरख हिल, जरूरी जरूरी। ये अपने हमारे कंबल शंबल हमने यहाँ पे रख लिए। ये देखो कंबल शंबल ये पड़े हमारे, और ये हमारी गाड़ी है फार्चूनर जिस पे हम जाएंगे। और अगर आपको गोरख जाना, उस्ताद का मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, आप जहाँ भी जाएं गोरख पे जाएं तो ये आपके साथ चलेगा, और बड़ा रियायत से चलेगा आपके साथ। ये हमारा दोस्त कराची से आया है स्पेशली गोरख घूमने। ये हैदराबाद से? हाँ भाई, हम जा रहे हैं। ये शाहपंजे से आया है, ये हमारा दोस्त शाहपंजे से आया है। हाँ चलो चलो, बैठे बैठे। वो दिखाओ ये। हाँ ये भी व्लॉगर है भाई, ये भी व्लॉगर है जनाब। ये तैयारी हमारी हो गई है, साथ सब्र आऊँ भैया। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अभी पहुंचने वाले हैं जोई के गेट में। उस जोई के बाद आएगा हमारा वाई पांडी। वाई पांडी में हम स्टे करेंगे, वहाँ कुछ नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है अगला सफ़र करेंगे। ये हमारा उस्ताद जो ड्राइवर है हमारा, और ये हमारा रिश्तेदार भी है, और ये हमारी पीछे संगत बैठी हुई है सब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी से ही रोड तक की हालत आप देख रहे हैं। ये देखे रोड की हालत आप, ये पिछले साल सैलाब आया था, उसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सैलाब यहाँ तो हर साल आता जाता है, ये कोई सैलाब ऐसे समझो जोई और खेरपुर नाथन शाह का रिश्तेदार हो गया, हर साल घूमने आता है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? हमारे जो हुक्मरान है वो नींद की गोलियां खा के सो जाते हैं, उनके कान में जू भी नहीं रंगती। ये सामने देखे कि जो ही का गेट है जो हमारा सामने, ये कुछ कच्चे के गांव हैं जहाँ पे हर साल सैलाब आता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कश्तियाँ चलती हैं जब सैलाब आता है। ये जोई का गेट हम नहीं बेचते, घूमते रहोगे जोई के, और जोई के बाद जो आएगा वाई पांडी, हम वहाँ स्टे करेंगे। फिर
जनाब वाही पांडी पहुंच चुके हैं और ये रास्ता जा रहा है सीधा गोरख हिल स्टेशन। तो अभी थोड़ा पेट पूजा करेंगे यहाँ पे वाही में, तो उसके बाद जाएंगे सीधा गोरख हिल स्टेशन। तो अभी हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे जनाब, रोटी हमारी आ चुकी है अभी। सन कहाँ पे बैठे हैं अभी बताओ? पानी दे। हम बैठे हैं भाई इधर, वो क्या कहते हैं, क्या मेरी पानी। अच्छा, हमको सिखा रिया है रूपा मारी खाएंगे, रूपा मारी रूपा मारी रूपा मारी रूपा मारी। हम इधर नाश्ता करेंगे पंजाब में, थोड़ी थोड़ी देर इधर ठहरेंगे, फिर उस्ताद के साथ जाएंगे। ये हमारा ड्राइवर है। अभी बैठे हैं वाई पांडी में और ये रही हमारी गाड़ी। सो दोस्त गए हैं थोड़ा सामान लेने, पानी चानी लेने गए, तो वो लेके आए, तो फिर चलते हैं सीधा गोरख हिल स्टेशन। आईफोन मोबाइल भी है। मैं गरीब हूँ। ये तो आईफोन अब हमने लिए फोटो के लिए, पिक वगैरह निकालेंगे। अगर आपको किराए पे चाहिए तो हम वो भी देंगे। बड़े हरामी हो बेटा। हाँ जी बिल्कुल, आप इस वक्त देख रहे हैं कि गोरख की जो है पहाड़ियाँ आपको नजर आ रही होंगी। अभी हम इस वक्त वाई पंच के रोड पे हैं और ये सामने जो है गोरख की पहाड़ियाँ हैं, गोरख हिल स्टेशन। और हमारे साथ मौजूद है हमारे दोस्त जो हैं, वो ये पूरी रात नहीं सोए हैं। जनाब 35 पॉइंट पे अभी पहुंच चुके हैं और ये रास्ता जा रहा है सीधा गोरख हिल स्टेशन की तरफ, ये रास्ता जा रहा है सीधा वाही की तरफ। और हम अभी वाही से दादू से होते होते अभी यहाँ 35 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और ये पीछे में हमारी गाड़ी खड़ी है और ये रास्ता गोरख पे जा रहा है। ये गोरख के जो है ये जो पहाड़ है ना, ये गोरख हिल स्टेशन के। और अभी यहाँ पे जेको तो चौहान अभी यहाँ पे देखें बादल हो गए हैं। ये बादल जो है ना, हम वहाँ पे ऊपर जाएंगे तो इनको हाथ भी लगा सकते क्योंकि ये इतना नीचे आते हैं। अब वीडियो स्टूडियो भर भला। तो ये बादल देख रहे हैं, ये वहाँ पे हमें जो है ना ऐसे हाथ लगाएंगे ना, हाथ में भी आएंगे। और ये भी व्लॉगर है ये अली भाई। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पे 35 पॉइंट में, 35 पॉइंट में, इसके बाद तब 10-15 मिनट का रेट है, इसके बाद हम जाएंगे ऊपर गोरख पे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो खड़े हैं अभी यहाँ पे इंतजार में जब तक गाड़ी जो है हमारी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे सीधा 35 पॉइंट सॉरी आई एम सॉरी बाबू गोरख हिल स्टेशन पे। तो रास्ते बहुत ख़राब हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है ना
ना ही आए तो अच्छा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर आते हैं तो फिर 4x4 गाड़ी में आए, मोटरसाइकिल पे आने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि इतने गंदे रास्ते हैं। अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए या कुछ हो जाए ना, फिर आपसे तकलीफ जो है ना आपको सामना करना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं ऊपर बिनी जी ये बस ता जो ब्लॉग रखा ये अभी बोझदार होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये अभी तो होटल बंद है क्योंकि वो अभी फेस्टिवल नहीं है, फेस्टिवल के बाद भी खुली होती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बंद है। ये देखें गोरख के पहाड़ियाँ और वो रास्ता जा रहे हैं ना, हम वहाँ से जाएंगे सीधा ऊपर। क्या कहना चाह रहे हैं अभी आप 35 पॉइंट पे पहुँचे? अभी हम 35 पॉइंट पे पहुँचे हैं, कुछ ही मिनट में हम ऊपर जाएंगे गोरख पे। ऊपर मतलब गोरख ना, ऊपर गोरख ऊपर अलग नहीं सही सही। रहमान साहब आप क्या कहना चाहते हैं अब गोरख? अरे बहुत मजा है, बहुत इंजॉयमेंट है यहाँ पे, काफी मना यहाँ पे कुछ है, पर यहाँ पे जो मेन बात है यहाँ पे रोड रास्ते वगैरह नहीं है। हाँ, बाइक वाले तो नहीं आ सकते, वाले नहीं आ सकते, पोटोवार भी आ सकते हैं, पर यहाँ पे पोटोवार के लिए भी बहुत नुकसान है क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है। तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर गोरख हिल स्टेशन पे, गाड़ी हमारी तैयार हो गई, तो ये सब अपनी फोटो और वीडियो निकाल रहे हैं, हमने भी निकाले हैं। देखने तो आप जुहेब उत्तरादी फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पे जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी खड़े हैं, सिर्फ ये फ़ोटो निकालें तो फिर हम जाएंगे गोरख हिल स्टेशन पे। 35 पॉइंट ये है, इसके बाद है गोरख हिल स्टेशन।
जो है ना ये रास्ते हैं, यहाँ से हम अभी गुजरेंगे। जैसे ये रास्ता देख रहे हैं ना, ये रास्ता सीधा यहाँ से जाएगा और हम भी इस चाड़ी से गुजरेंगे। और वो जो है ना वो खावल लेके जो ख़तरनाक जो पहाड़ी जो ख़तरनाक चाड़ी है ना वो खावल लेक वो वहाँ रही। उसके बाद जो है ना गोरख है, ये भी लहका गोरख है, लेकिन मेन पॉइंट जो है ना वो है खावल। अगर वो क्रॉस होगी तो फिर समझो हम गोरख पे पहुँच चुके हैं। वो रही सामने। अभी गाड़ी यहाँ कुछ खाली कर रहे हैं, बंदे थोड़े उतरेंगे उनको, तो थोड़ी जो है ना ऊंचाई ज़्यादा है। सब जनाब इसके आगे है खावल लेक और अभी हम जो है पैदल जा रहे हैं और ये मेरे दोस्त थे जो पैदल आ रहे थे और अभी हम पैदल जा रहे हैं। और ये है खावल लेक की जो यहाँ की गोरख की सबसे जो है ना परेशान करदा जो चाड़ी है। हाँ यार साथ हो नहीं यार यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए ना तो रोपन देखिए वाह जनाब ये है खावल लेक और अभी हाँ या है साहब हाँ या है बच्चों टू ना। तो ये रास्ता हम यहाँ से आए हैं पैदल और अभी मर पड़े हैं। हाँ हाँ ये सीखूँ लगन उन्होंने मोटरसाइकिल हारन के तो मन टायर तबाह कम तो आगे अभी रास्ता बहुत ज़्यादा पड़ा है तो थोड़ा पैदल को जो है ना पैदल चक्कर शक्कर लगाए। ये देखिए मोटरसाइकिल वालों की जा ही नहीं यहाँ पे आने की। यहाँ के मकामी लोग हैं वो भी एक जा रहा था सुबह से एक बाइक देखिए। ये है जनाब खावल लेक। यह है खावल नहीं हाँ माँ आयो मगे साल अड़ो रोडो हाई लेवल हाँ जलील प्रोग्राम हाय बस बड़ी थदी हवा है जब अल्ले जैसे ही तो लगे जो आयो मत था तो दुखियो जाना दे। हाँ ये बैठे हैं हमारे दोस्त हमारे इंतज़ार में और बहुत जो है ना ठंड है लेकिन हमारे जो है ना पसीना निकल रहा है। हवा अंदर मुझे कंबल दखणिया फैसल मुझे कंबल दखणिया अंदर बड़ो जान आवा एक अंदर जो है ना वो सो रहा है गाड़ी में।
गोरख हिल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ये है बेनवीर पॉइंट, जीरो पॉइंट जिसे कहा जाता है।